सोचें कि हमारी साधनाएं आज उस स्तर पर नहीं है और हमारे रिजल्ट भी उस स्तर पर नहीं है। हम देखते हैं जब रामचंद्र जी ने अपना अंक देने के लिए दुर्गा विजय दुर्गा प्रसन्न हुई और उन्होंने रावण को मारा, यह रामचंद्र जी से देवता को ही यह परीक्षा रखी गई थी। आप और मैं किस खेल की बोली, हमें वो साधना साधना के माध्यम से साधना के मार्ग पर ही करना है, उतना उसी तरह करने पर उसकी सिद्धि या उसका रिजल्ट प्राप्त होता है। गुरु जी पांच प्रश्न लिखने से पास होता है ऐसा नहीं हो सकता, चार प्रश्न लेके 35 मार्क आए तो 35 मार्क आए भी पास होता है, लेकिन आईएएस नहीं बन सकता। बनना आईएएस है और 35 मार्क की बात करता है, आईएएस बनना है तो 90 मार्क के 100 मार्क आना ही है, 90-100 मार्क की मेहनत करनी ही है। हम नहीं करते, हम पहले ही प्रश्न पूछने लगते हैं और यह जीवन में नहीं होना चाहिए। आपको सिद्धि चाहिए तो जिस प्रकार गुरु जी ने कहा है उसी प्रकार की साधना करो। आप कभी लेडीज को कह दिया कि भाई तुम लाल साड़ी पहनिए, बोली लाल साड़ी पे बूटे हैं तो चलेगा क्या, लाल साड़ी को बांटो है तो चलेगा, मैं क्या बोल रहा है, लाल साड़ी लिखी हुई है, लाल साड़ी पे बूटे हैं नहीं है, मैं किस बारे में बात करूं। यहाँ से साधना का आरंभ होता है। गुरु जी ब्लाउज पे मेरा व्हाइट बॉर्डर है उसको चलेगा क्या, मेरे सब चलेगा, तुम कुछ भी कर लो, मैं आपको मेरा सर दर्द हो गया उसको इनको साधना बोलना गलती हो गई ऐसा लगता है। तो इस प्रकार हमारी साधना का कार्यक्रम आरंभ होता है। हम साधना को साधना पद्धति गुरु जी के वचनों के अनुसार गुरु जी के कथन के अनुसार अगर हम साधना करते हैं तो मेरा अनुभव है कि निश्चित रूप से साधना सिद्ध होती है। हम हमारे पास भी थोड़े लोग आए थे, आश्रम में भी आए, साधना भी की, तो मैं साधना करते समय गुरु जी मेरे पलंग की सीमा नहीं आई, ठीक है पलंग दे दिया, मैं गुरु जी पलंग के ऊपर मेरी एक धोती है मैं एक ही धोती लेके आ रहा हूँ पिंक कलर, मैंने कहा कि तुम्हारे ओढ़ लेने की चादर भी पिंक चाहिए, नीचे डालने की चादर पिंक, तुम पहनना भी पिंक चाहिए, और उसने कहा कि गुरु जी मैं गुलाबी की एक ही धोती लाई, अब फिर मैं क्या करूँ, गुरु जी ऐसा करता हूँ कि गुलाबी की धोती साधना करते समय पहन लेता हूँ, बाद में डिस्टर्ब भी गुलाबी धोती जाता हूँ, फिर पहनता क्या है, क्या नंगा सो जाएगा, अरे फिर अब मैं कैसा बोलूँगी उसको क्या करना। साधना में पिंक कलर की धोती पहननी है, पिंक कलर का ही बिस्तर डालना है, पिंक कलर का आसन डालना है, एक ही लाया हूँ तो मैं क्या करूँ, मैं लागे हूँ। इस प्रकार आज साधना का हमारा आरंभ होता है। ये आरंभ होते होते फिर कहाँ आई बात, भाई तुम एक समय फल और दूध खाने लगा, ऐसा करो गुरु जी फल दूध तो एक समय का खा लेता हूँ लेकिन चाय दो समय पीऊँ, मेरे चाय में इतनी शक्कर की होती है, बीपी होती है मेरे को, मैं क्या करूँ। अब उसको चाय पीने का तो गुरु जी शास्त्र में नहीं था, उस जमाने में चाय नहीं थी, चाय के बारे में क्या बताऊँ, चाय पिए या ना पिए। इस प्रकार की साधनाओं में करते करते जहाँ रह गए हैं हम आज वहीं अटके हुए, हम इसको आगे आगे लेके चलते हैं। हमने देखा है चाहे भगवान श्री कृष्ण भी हो या भगवान राम हो और भगवान कोई भी हो, परशुराम जी ने भी जब गणेश जी के साथ युद्ध किया था और गणेश जी को एक दंत बनाया था, एक दंत उनका दांत टूट गया था उनके परशु से मारने के बाद, तो घबरा गए माता पार्वती आई दुर्गा का रूप धारण करके परशुराम जी पर क्रोधित हो गई, तो माँ मैं भी तुम्हारा पुत्र हूँ ऐसा परशुराम जी ने जब कहा तो उनको शांत होने के लिए परशुराम जी ने एक दुर्गा स्तोत्र पढ़ा। जो मीन राशि से लोग हैं उस दुर्गा के स्तोत्र करके आज भी वो मीन राशि के लोग या अपने धनु राशि के लोग ये महा दुर्गा का स्तोत्र पढ़ते हैं तो उनके जीवन में अनुकूलता प्राप्त होती है, ऐसा कार्य दुर्गा स्तोत्र पढ़ा है। लेकिन परशुराम स्वयं विष्णु अवतार होने के बाद भी वो अगर वो स्तोत्र दुर्गा की आराधना करते हैं, सत्यभामा को बेटा पैदा नहीं हुआ तो भगवान श्री कृष्ण मानस सरोवर गए और भगवान सांब सदाशिव की आराधना की उन्होंने और अपने को पुत्र प्राप्ति के लिए सत्यभामा के लिए उन्होंने प्रार्थना की, जब पुत्र हुआ तो उसका नाम सांबा रखा गया और वही सांबा आज काश्मीर क्षेत्र का जहाँ उस पुत्र को सांबा का राज्य दिया गया। तो भगवान श्री कृष्ण भी अपने पुत्र प्राप्ति के लिए साधना करते हैं तो हम कहाँ के साधनाएं उस जमाने से आज तक भी है, चाहे वो भगवान हो या कोई भी, साधनाएं सभी लोगों के लिए देवताओं की कृपा प्राप्ति के लिए सभी लोगों ने साधनाएं की। आज हम जानते हैं कि भगवान श्री कृष्ण अपने मित्र बाल मित्र सुदामा के बारे में देखते हैं कि सुदामा जब घर आए तो उन्होंने बहुत दरिद्रता अनुभव की, उनके 6-10 पुत्र हो गए और दरिद्रता अनुभव करते रहे, रोते रहे, पत्नी ने बहुत बार कहा कृष्ण कृष्ण कहते हो, कृष्ण की इतनी भक्ति करते हो, कृष्ण महाराजा बन के बैठे हुए हैं, उनकी उतनी बड़ी द्वारका है सब है, एक बार कृष्ण को मित्र है तो सखा है तो जाके पूछते क्यों नहीं कि कुछ दो हमारे को कुछ सहायता करो, ऐसा क्यों नहीं पूछते, ऐसा पत्नी ने कहा। निस्वार्थ था पवित्र सुदामा, निस्वार्थ था वो, कहा कि मेरे मित्र को मैं जाकर नहीं मांगता, मैं कृष्ण की भक्ति करता हूँ, कृष्ण से प्यार करता हूँ लेकिन मैं मांगूंगा नहीं, मैं निस्वार्थ भक्ति करता हूँ। लेकिन पत्नी ने कहा दरिद्रता इस हद तक हो गई कि बच्चे भूखे मरे, आपको मांगना ही होगा, आपको जाना ही होगा,
ताकि सुदामा अपने पत्नी बच्चों की भूख को देखकर कृष्ण के पास गए। और कृष्ण के पास द्वारपाल पर जब गए, कृष्ण को देखा कि अपना सखा है, कृष्ण भागते हुए आए। आने के बाद कृष्ण के आगे पाते सब कुछ दिया, देकर कृष्ण ने पूछा कि ये सब दिया हूं हे सुदामा, मेरे लिए तुम क्या लाए? सुदामा घबराए कि मैं क्या लाया? थोड़े से पोहे चावल तो में और गड्ढे में बांधे हुए थे, उनके आंखों में आंसू आए कि तुमने मुझे सोने की थाली में खाना दिया है, सारी मिठाइयां रखी हुई, सारी रखी हुआ है और अष्ट भाइयां देकर कहती है कि ये सारा इतना पकवान रखा हुआ है और ये कृष्ण को मांग रहा है कि तुमने मेरे लिए क्या लाया। तो वो छुपा रहे थे कि मैंने पोहा लाया। कृष्ण ने वो पोहा निकाला, अरे बहुत अच्छा है, निकाला पोहा, एक घास खा लिया, दूसरा घास खा लिया, तीसरा घास खा रहे थे तो सारी भारियाओं ने लगा क्या सभी तुम्हें खाओगे, इतना खाना सब छोड़कर इतनी मिठास है ये पोहे में जिसे तुम खाकर इतना अच्छा कह रहे हो, तो हमारे में कुछ क्यों नहीं रहते। कृष्ण ने वो तीसरा पोहा रोका। सुदामा वहां खड़े खड़े विचार कर रहे थे, सब आमंत्रण हुआ, सुदामा की पूजा हुई, अच्छे कपड़े पहनाने के लिए सब दिए। और जब सुदामा को विदा कर रहे थे तो कृष्ण के आंखों में भी आंसू थे, सखा के नाते। और ये लेकिन सुदामा ये पूछना भूल गए कि पत्नी ने उसको वहां से पैसे लाने, धन लाने के लिए पूछा था, भेजा था, और वह पूछ ही नहीं सका। लेकिन कृष्ण किस आवागमन में सुदामा को यह नहीं हुआ कि मैं अगर कोई पैसे पूछूं कृष्ण को तो किस तरह लगेगा। कृष्ण जानते थे कि सुदामा किस लिए आया। कृष्ण द्वार तक गए सुदामा को छोड़ने के लिए, सुदामा के मुंह से यह नहीं निकला कि मुझे मैं इसलिए आया हूं कि तुम मुझे पैसे दो, मुझे तुम कुछ सहायता करो, मैं बहुत दरिद्र अनुभव कर रहा हूं, वो नहीं पूछ सके। लेकिन जब वो घर पहुंचे तो उन्होंने देखा अपनी पत्नी बहुत सारी सुंदर साड़ियों में, गहनों के साथ, पूरे ऐश्वर्य के साथ बड़े भवन में इधर उधर घूम रही है। देखकर सुदामा को आश्चर्य हुआ कि ये सब कैसे हुआ। बोले तुम कृष्ण के पास गए और यहाँ ये चमत्कार हुआ, हमारा घर महल बन गया, घर में सब सुधरा गया। उधर कृष्ण को मन ही मन प्रार्थना करते हुए कहने लगे कि हे कृष्ण, मैं तेरा यह ऋण कैसे चुका सकता हूँ, यह ऋण तेरा कैसे चुका सकता हूँ। कृष्ण सुदामा के आंखों में आंसू थे। जब ये अष्टभाग्याएं आई और पूछने लगी कि सुदामा तुम्हारे लिए किसके लिए आए थे, तो बोले कृष्ण ने कहा कि सुदामा बहुत गरीब था, उसके आज तक 25 साल तक मैंने परीक्षा ली, उसके पास फाउंड्री कृष्ण भी आया, उसने कहा कि तू उस कृष्ण को छोड़ दे, मेरी आराधना कर, मैं तुझे धनवान बनाऊंगा। लेकिन उसने नहीं छोड़ा, मेरे सिवा किसकी आराधना नहीं की, केवल मेरा कृष्ण नाम ही लेता रहा, मेरे प्रति समर्पित रहा। मैंने 25 साल तक उसकी परीक्षा ली और आज सभी ऐश्वर्य उसका सभी देना चाहता था, लेकिन तीसरे ग्रास को तुमने ले लिया, अगर तीसरा ग्रास लेता था तो यह मेरा राज्य सुदामा मुझे ले जाता, मैं मेरे पुत्र के लिए इतना सब देने के लिए तैयार था, क्योंकि मैंने 25 वर्षों से मेरी तपस्या की है, मेरी आराधना की है और मैंने उसको दिया। तब भरिया कहती है कि तुम्हें इतना सब रखा हुआ था तो ये उसके कोई ही कपड़े। तो कृष्ण कहते हैं कि हे महारानी रुक्मिणी, इस संसार में एक बात याद रख, किसी को तुम मुफ्त में देना आदत करोगी तो वह इस संसार में मुफ्त में खाने का आदी होगा, उसके पास जो है जिस वो पांडवों की पत्ता उसके पास देखे ही देख, नहीं तो उसके रोने चुकाने के फिर तुझे जन्म लेना पड़ेगा, इसलिए मैं उसके पास पोहा था तो पोहा लिया। मैं भी तुम्हें कहता हूँ, गुरु को तुम्हारे पास जो भी है पत्ता उसको दो, तभी लोग तुम्हारे पास रहता है, तुम्हारी भक्ति, तुम्हारी श्रद्धा, तुम्हारा समर्पण, जब तक तुम नहीं ले गए गुरु का सेवा तुम्हारे पास नहीं आता। जब कृष्ण ने इस आदमी भी दो पोहा लिए तक सुदामा को कुछ नहीं दिया तो तुम्हें देने की बात कैसे की। गुरुजी के बारे में कहा जाता है कि गुरुजी पैसे देते थे, गुरुजी को एक बात भी मैंने पूछी कि गुरुजी लोगों के पास पैसे होते हैं या नहीं होते हैं, गुरुजी ने कहा कि तुम उसको मुफ्त दोगे तो मुझे फिर जन्म लेना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि उसके पास वो तो धनवान बनेगा, वो किसी भी तरह बनेगा, लेकिन उसको उस ऋण चुकाने के लिए कि उसका मेरा दिया हुआ फ्री में दिया हुआ है उसको लेने के लिए, फिर उसको मैंने उसका बेटा तो पैदा होके पैदा हो जाऊंगा या मिस्टर या उसका घर का सहपाठी, और उन्होंने लेने के लिए पूछे उसके पास जो भी है, उसके पास अगर तुलसी का झाड़ है तो तुलसी ही ले लूंगा, उसके पास आम है तो आम ही लूंगा, लेकिन उसके रोड़े नहीं लूंगा, मैं उसको 10 पट दे दूंगा लेकिन मैं उसके पास नहीं लूंगा। हम गलती कहां करते हैं कि यही बात जब सुदामा को हुई तो बहुत दिन तक सुदामा ऐश्वर्य अनुभव करते रहे और कृष्ण भक्ति में पड़े रहे। तो एक दिन बहुत साल होने के बाद सुदामा ने अपने पत्नी से पूछा, हे पत्नी, हे रानी, तू जब तक हम दरिद्र थे तब तक कहा करती थी कि कृष्ण के पास क्यों नहीं जाते, जाकर क्यों पैसा पूछ के नहीं आते, आज जिस कृष्ण ने ऐश्वर्य दिया कभी याद करे एक बार कभी कि कृष्ण के पास जाएंगे, उसने इतना मुझ दिया। जब ऐश्वर्य आता है तो इसी तरह भूल जाते हैं, रानी हम कृष्ण के पास जाना है कभी बोला। पत्नी को बहुत दुख हुआ,
सच बात है, जब तक पैसा नहीं था, जब तक गरीब रह थी, तब मैं कृष्ण के पास क्यों नहीं जाते पूछती थी। आज तक मैंने सारा आयुष्य तो कृष्ण ने दिया, हम कृष्ण को कुछ जाके देंगे। तब हम लोगों ने एक गाड़ी में सपना गाड़ ने रखा और दोनों पति पत्नी अपने बच्चों के साथ गोकुल आने निकले। तो कृष्ण कहते हैं कि जैसा ही सुदामा वहां से निकला, कृष्ण ने इतनी जोर से वर्षा करवाई कि उनके आने का मार्ग ही रुक गया। जब तीन बार भी किया तो कृष्ण ने कहा, मैं तेरे पास से कुछ लेने के लिए भी तुझे नहीं लिया, मैं वैसा वो मित्र नहीं हूं, मैं तेरे साथ केवल यही जानने के लिए कि तेरी भक्ति है या नहीं। तब उसने कहा, देखा बाद में किसी भी कष्ट के साथ सुदामा जब द्वार पे पहुंचा, जो कृष्ण सखा एक बार उनको मिलने के लिए भागते हुए आके सुदामा को लेने के लिए आए थे, उस दिन उस द्वार पर कहते कि कृष्ण ने कहा, मैं महाभारत के युद्ध में बहुत ही व्यस्त हूँ, सुदामा मैं फिर आगे तुम्हें मिलूंगा। और द्वार से सुदामा पीछे हटके चले गए। उस दिन सुदामा ने कहा कि हे कृष्ण, मैं भी तुम्हें राजा बनकर दिखलाऊंगा। और दूसरे जन्म में शंखचूड़ नाम के राक्षस के रूप में धारण हुआ और सुदामा ये बने। तो मैं आपको कहता हूँ कि हम हमारे पास ऐश्वर्य होने के बाद गुरु जी को या देवता को देने वाले को भूल जाते हैं। ये प्रक्रिया सुदामा जैसे व्यक्तित्व को ही होती है, तो हमें नहीं भूलती इसका कोई कारण नहीं है। कभी आप ये जाना है कि सुदामा को मिलने के बाद क्या कभी सुदामा के पत्नी ने कृष्ण को जाएंगे, या कहानी आई है कहीं कि सुदामा फिर कृष्ण के पास गए? नहीं आई। क्यों नहीं आई? तो हुआ ही नहीं ऐसा। तुम्हारे कष्ट का कष्ट मिल गए फिर तुम गुरु को याद करना भूल गए। नाम मंत्र जो गुरु जी बहुत बिजी हो गए। मेरे पास भी लोग आते हैं, आने के बाद गुरु जी मेरे को नौकरी नहीं है, कुछ ना कुछ बताओ गुरु जी। मैं कहता हूँ अरे सवाला गुरु मंत्र जब कर लो, ये साधना कर लो, रोज साधना करने के बाद चार माला मंत्र जब करो। सवाला मंत्र बहुत जोरों के साथ किया और चार माला जब बहुत जोर के साथ किया, गुरु कृपा से उसको नौकरी आ गई। नौकरी सुबह 8 बजे आरंभ होती है और शाम में 6 बजे आती है। उसके बाद नौकरी आई तो शादी हुई तो बच्चे हैं। बाद में कभी उसका मन हुआ तो जब उसको संकट आया तो फिर आया, मैं बोला क्या हुआ भाई, कैसे हैं? ठीक है, गुरु जी शादी हो गई, नौकरी हो गई। हाँ, फिर ऐसा गुरु मंत्र सवाल आया, कहाँ का खास सवाल करता है गुरु जी, नौकरी में इतना बिजी हूँ तो कभी चार माला में एक माला करने के भी समय नहीं मिलता, पत्नी बच्चे को देखने के समय में कहाँ से गुरु माला करूँ। बेटा, नौकरी मिलने से पहले मुझे सवाल मंत्र करने के लिए चार माला करने के स्थान था। आज तेरे को टाइम सुनिए, जिस नौकरी दिए थी मैं मना नहीं करी, इसलिए मैं बहुत लोगों को कहता हूँ तुम कम से कम तुम्हें नहीं होता सोने से पहले पांव धोकर भी गुरु मंत्र की चार माला करो। लेकिन गुरु का ऋण गुरु के रूप में, जब तक तुम चार माला करो गुरु मंत्र जबकि करते रहो तब तक गुरु तुम्हारे साथ। तुम बहाने बनाते हो, तुम कहानियां करते हो, गुरु जी नौकरी में इतनी बिजी हो गया, वो रात में 10-10 बजे तक बैठता है, एकदम माथा खराब रहता है। अरे उस नौकरी को तो तूने ही मांगा था, गुरु को छोड़कर तूने ही उस नौकरी को मांगा था, और जब नौकरी आई तो गुरु को छोड़ दिया, और फिर गुरु ने नौकरी में संकट आया तो फिर गुरु की बात करने लगा। आज चार महाराज की बात करता हूं तो टाइम नहीं देता है। जिसने तुझे टाइम दिया था उस समय तुमने क्या किया? तो यह पद्धति में क्यों कह रहा हूं, ये तुम्हें आपको क्यों बता रहा हूं कि हमारे ये जीवन की एक पद्धति है कि हम हमारे को जिस कष्ट से हम मुक्त हो गए बाद में हम गुरु को याद नहीं करते। लेकिन हमारा यह आचार होना चाहिए कि हम गुरु मंत्र को अपने जीवन में एक अपने जीवन का अंग बनाना चाहिए और उसको करते हुए रहना चाहिए। चाहे दशमाध्याय हो, चाहे हमारी साधनाएं हो, और विशेषतः गुरु मंत्र का जप। इस प्रकार आज जिस साधना के बारे में मैं आपको बता रहा हूं, इस विजय दुर्गा साधना के बारे में, यह विजय दुर्गा साधना मैंने अभी तो बताया कि प्रभु रामचंद्र जी ने भी और भगवान श्री कृष्ण ने भी धर्मराज से यह साधना करवाई। जब महाभारत युद्ध हो रहा था तो महाभारत युद्ध के समय कृष्ण ने कहा कि हे पांडव नंदन धर्मराज, तुम देखते हो कि वहां क्या रखा हुआ, वहां देखते तो भीष्म द्रोण कर्ण जरासंध शिशुपाल आदि ऐसे सारे सारे लोग योद्धाएं खड़े हुए हैं और यहाँ तुम केवल पांच पांडव हो। उनको जीतना हो तो ऐसा नहीं हो सकता, तुम्हारे पास किसी न किसी दिव्य शक्ति की आराधना होनी चाहिए, तुम्हें आराधना करनी है। और श्री कृष्ण ने युधिष्ठिर जिसे भगवान भगवती दुर्गा की साधना करवाई। आज भी युधिष्ठिर दुर्गा स्तोत्र सभी जगह बहुत प्रसिद्ध है, चाहे मराठी में हो, और मराठी का स्तोत्र तो है ही प्रसिद्ध है, वैसे संस्कृत में भी दुर्गा की साधना धर्मराज के हाथों से भगवान श्री कृष्ण ने करवाई। और एक बात आपको पता है नहीं, लेकिन जब मथुरा में जरासंध ने मथुरा को घेर लिया था, बलराम और श्री कृष्ण अंदर थे, सारे गोपिकाएं बंदी हुई थी और सारा
सारे लोगों ने हल्ला बोल लिया था मथुरा के ऊपर। उस समय श्री कृष्ण को पता चला, श्री कृष्ण ने दरवाजा बंद किया और भाई बलराम को कहा, भैया अब ये लोग सब लोग आए तो अपनी दुश्मनी के कारण इन सभी लोगों को मारना पड़ेगा, पहले हमें मथुरा वासियों को बचाना है, हमें इसके लिए क्या करना है, तो हमें कुछ ऐसी साधना करनी है जिसके साथ इन लोगों को बचाया जाए। तो तब श्री कृष्ण ने उनको विजय दुर्गा साधना करवाई। और आज भी अगर देवी भागवत आप पढ़ते हैं तो कृष्ण का पहला मंत्र था ओम ह्रीम श्रीम ह्रीम दुर्गतिनाशिनी महामायायै स्वाहा। इस मंत्र को जो रोज नित्य 21 बार पढ़ता है उसकी कभी दुर्गति नहीं होगी, ऐसा श्री कृष्ण ने कहा है। और सभी मथुरावासियों को करने के बाद महामाया को बुलवाकर रातों रात मथुरा से वे द्वारका को सभी लोगों को ले गए, क्योंकि अपने कारण ये प्रजा ना मर जाए, ये कृष्ण का कहना था। लेकिन कृष्ण का इस कारण उनका नाम रणछोड़ पड़ गया, युद्ध को छोड़कर भागने वाला। जरासंध ने कहा ये रण को छोड़कर भागने वाला रणछोड़ है, कृष्ण को कहा और ये उस तरह कहलाए। लेकिन उनका उसके पीछे कथन था कि मेरे कारण ये सारे लोग ना मारे जाए। और इस प्रकार कृष्ण ने फिर द्वारका आने के बाद कहा कि हे पांडव, मैंने भी दुर्गा साधना संपन्न की है और आपको भी दुर्गा साधना संपन्न करवा रहा हूँ। ऐसे समय में जब हमारे जीवन में अपने की ऋण बाधा हो, अपने की किसी तरह की बाधा हो, वो बाधाएं अगर हमारे जीवन में कितना प्रयत्न करने पर भी जा ही नहीं रही है, तब अगर विजय दुर्गा साधना करता है तो उस बाधाओं से मुक्ति उसी समय मिल जाती है, ऐसा कहा गया है। इस विजय दुर्गा साधना को रामेश्वर में महर्षि अगस्त ने श्री रामचंद्र जी को उस रेतीली समुद्र के किनारे करवाया था, और श्री कृष्ण ने उस युद्ध समय में करवाया था जब जरासंध के लोगों ने मथुरा को घेरा हुआ था, एक रात में वो साधना करवाई और इस संकट से संकट को टलवाया। जिस प्रकार माता भगवती कहती है कि इस विजय दुर्गा की साधना जो अपने जीवन में पूर्ण करता है या केवल अपने घर में यंत्र की स्थापना करता है, उसके जीवन में कितना महान संकट भी आया, वो चाहे किसी प्रकार का संकट भी हो, उस संकट को टलने के लिए इस यंत्र को या इस मंत्र को करकर इस साधना को जो संपन्न करता है वो सारे संकटों से बाहर आ जाता है। साधना केवल कैसी भी हो, लेकिन इस साधना को जब श्री कृष्ण और रामचंद्र जैसे परशुराम जी जैसे देवता ही करते हैं करके इसमें विजय पाई है, तो हमारे लिए ऐसी साधना मिलना ही दुर्लभ है। और यह विजय दुर्गा का यंत्र तैयार करने के लिए विशेष मुहूर्त पर नवरात्र में तैयार करना पड़ता है। इस बार साधना देने से पहले ही मैंने विजय दुर्गा यंत्र केवल गुजरात साधकों के लिए, यह नाम अभी विजय नाम संवत्सर रहने के कारण उस विजय दुर्गा का यंत्र तैयार किया, ताकि आप इस साधना को अपने जीवन में रखो, परखो, करो और देखो कि आपके संकटों का निवारण किस तरह होता है। कितने भी संकट आए आपके, हम देखते हैं अपनी साधनाओं में संकट है, अपने बिजनेस में संकट है, अपने नौकरी में संकट है, अपने घर चलाने में संकट है, और दूसरे अनेक तरह की बाधाएं अपने जीवन में आती हैं। इन बाधाओं का निवारण अगर आप करना चाहते हो तो इस विजय दुर्गा की साधना अपने जीवन में अगर संपन्न करते हो तो आप जरूर उन सारे संकटों का तत्काल निवारण पा सकते हो। और इस निवारण पाने की साधना के लिए मैं नहीं चाहता, क्योंकि मैं आजकल एक बात जरूर कह रहा हूँ, मुझे आपके गुरुचरण और आपके मंत्र पर पहले से भी बहुत विश्वास था और अभी ज्यादा विश्वास हो गया। ज्यादा विश्वास ये हो गया है कि यहाँ से मेरे पास से पैकेट खरीद लेके जाते हो साधना सामग्री का, और जाके घर में डब्बे में या पूजा स्थान में रख देते हो, नमस्कार करके उसकी साधना नहीं होगी। और वो आपके घर में लेके तो पैकेट सामग्री के अपनी साधना सामग्री के पैकेट है सब वो पड़े हुए हैं, लेकिन साधना एक भी कम्प्लीट नहीं है। पूछा जाए क्या हुआ, दस साल में साधना नहीं थी, कहाँ साधना करा गुरु जी, वो लंबी चौड़ी साधना उतनी बड़ी, चार बार गुरु मंत्र ही नहीं हो रहा है, साधना कहाँ से करूंगा। वो साधना नहीं, पाकेट घर में पड़े हुए साधना सामग्री के आप आगे देख सकते हैं गुरु जी, 100 पाकेट के पड़े हुए साधना ही नहीं हुई। अब 100 पाकेट में कभी समय मिला तो 5 पाकेट की अगर साधना होगी तो बहुत महान है, गुरु पर कृपा है, गुरु के ऊपर आपकी कृपा है। इसलिए ये सब नहीं हो रहा है, इसलिए मुझे क्या करना पड़ रहा है कि आप यहीं बैठ के मेरे सामने ही साधना करो, मेरे सामने ही हवन करो, यहीं सिद्धि प्रदान करके भेजूंगा। मुझे आपको घर जाने के बाद आप साधना करेंगे इसका विश्वास नहीं, बहुत विश्वास हो गया है, इसलिए ऐसा कर रहा हूं। हर जगह हर शिविर में मैं आजकल यही कर रहा हूं कि साधना मेरे सामने ही करो, चाहे वो 5 माला क्यों में हो, 1 माला क्यों में, यहां करो, यहीं हवन करो उसका, यहीं सिद्धि ले लो, यहां से जाओ, फिर घर में तुम करो या ना करो, कुछ भी करो, कहीं डालो, तुम्हारे को अब तक भी दिया जाए तो अब तक की बाट वैसी की वैसी बने रहेगी, वो कब खुलेगी पता नहीं, अब तक का वो भी चले जाएगा, लेकिन तुम अब तक खोलोगे नहीं ना उसका आपको स्वाद मिलेगा नहीं, तुम क्यों ही मेरे सामने अब तक खोल के लगा रहे हो, कम से कम सुगंध तो ये पता चलेगा, इसलिए साधना यही करवा रहा आप सभी को। आज यह साधना जो संकट मोचन कही गई है, अपने जीवन में सारे विजयों को प्राप्त करवाने वाली कही गई है, उस साधना को आज
यही आपके सामने करवाऊंगा, जिस साधना को भगवान सीखने के लिए आपके जीवन में चाहे व्यापार करते हो, चाहे रणबाला हो, या आपका कार्य सिद्ध न हो रहा हो, या आपकी साधनाओं में अड़चन हो, आपके घर के गृहस्थ के जीवन में अड़चन हो, आपको संतान प्राप्ति में या किसी प्रकार की बाधा हो, उस इस बाधा निवारण पर इस बाधा निवारण हो और आपको विजय प्राप्त हो, ऐसी साधना मैं यही आपको मेरे सामने ही करवाकर उसका भी दशांश यही करवाकर आपको उसकी सिद्धि प्रदान करके ही भेजूंगा। आपके ऊपर मुझे बहुत भरोसा है कि आप घर जाकर फिर दोहराएंगे नहीं। एक बार जय घोष करके बोलो ब्रह्म संतदेव भगवान की। आप सब लोग साधना सामग्री लेकर 5 मिनट में आ जाओ, मैं साधना फिर आपको बोलता करवाऊंगा। तब तक भजन है।